हाँ तो समझ गए बच्चों। तो क्या हो जाएगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद होते हैं बच्चों, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, ठीक ना, गुणवाचक विशेषण, फिर क्या हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक। अब हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक, देखिए, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध कराता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है, है ना। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराता है ना, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ईमानदार, अच्छा, सुंदर, है ना, इसमें क्या होता है, गुण में कोमल, खुरदरा, अच्छा, छोटा, बड़ा, चौड़ा, मोटा, पतला, ठीक है, ये सब ऊंच नीच, है ना, ऊपर, मतलब ये सब क्या होता है, सभी क्या है, ये गुणवाचक के उदाहरण है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं वाक्य द्वारा पूछने जा रहा हूँ, गिलास में गर्म दूध है, गिलास में गर्म दूध है। अब यहाँ पर इसमें विशेषण, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन है, गर्म दूध, क्या हो जाएगा, संज्ञा, है ना, गर्म दूध है, गर्म दूध है, गर्म क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा विशेषण, यानी गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता, मान लीजिए मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता, मूर्ख लड़का, तो बच्चों इसमें गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, इसका हमने परिभाषा पढ़े ना, जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, है ना, आकार का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बताया ना, मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता, मूर्ख समझता कुछ, जो पढ़ता लिखता नहीं क्या हो जाएगा, टीचर मैंने कोई भी पढ़ाए, कोई भी समझाए, वो नहीं समझ सकता। इसीलिए बच्चों पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए। हम अगर पढ़ेंगे तो हम सभी जगह क्या पढ़ेंगे, आदर पाएंगे। एक जो विद्वान होते हैं वो क्या होते हैं, राजा जो होता है अपने देश में ही पूजा जाता है, अपने राज्य में ही पूजा जाता है, लेकिन जो विद्वान लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सभी जगह पूजे जाते हैं। इसीलिए बच्चों पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए, समझ गए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, उसे जितना अच्छे से पढ़ मन है उससे ई लगाओगे, मन लगाओगे, उतना आपको पढ़ने का मन करेगा, और जितना दूर भागोगे उतना पढ़ाई से दूर भागेगा आपको, मैंने क्या हो जाएगा, बहुत मैंने अजब सा लगेगा, ठीक। इसीलिए पढ़ाई मन से कीजिए, ध्यान से कीजिए, है ना, रूटीन बना कर कीजिए, ठीक है बच्चों। इस तरह देखिए, मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता, मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता, इसका गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, मूर्ख, क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मीठा आम सभी को अच्छा लगता है, मीठा आम सभी को अच्छा लगता है, यहाँ पर मीठा आम, मीठा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मीठा हो जाएगा, मीठा आम, तो क्या हो जाएगा इसमें गुणवाचक, क्या हो जाएगा, मीठा, क्या हो जाएगा, मीठा। अब देखिए, हमारा तिरंगा आयताकार है, हमारा तिरंगा झंडा, है ना, हमारा तिरंगा आयताकार है या हमारा तिरंगा झंडा, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, तिरंगा, तीन रंगों का। तो जैसे कि हम पढ़ा है कि गिलास में गर्म दूध है तो गर्म, मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता तो क्या हो जाएगा, मूर्ख, है ना। अच्छा, मीठा आम सभी को अच्छा लगता है, मीठा, है ना, हमारा तिरंगा आयताकार है, क्या हो जाएगा, आयताकार, आयताकार, ठीक है। इसमें गर्म, मूर्ख, मीठा, आयताकार, ये सब सभी क्या है, विशेषण है, सभी क्या है, विशेषण है। क्यों विशेषण है, क्योंकि इन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों को क्या हो जाएगा, इसमें स्पर्श, गुण या आकार का पता चलता है, है ना, स्पर्श, स्वाद और आकार का पता चलता है, इसीलिए,